टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट वाइन टीवी और मैं हूं आपके साथ सिया। अब महिलाएं भी क्रिकेट की दुनिया में बना पाएंगी भविष्य, क्योंकि वर्धमान अकेडमी राधा गार्डन ने नववर्ष के इस सुनहरे मौके पर महिला क्रिकेट का भव्य आयोजन कर दिया है। यह आयोजन आगामी 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे IIT क्रिकेट मैदान साकेत मेरठ में किया जा रहा है। राधा गार्डन की प्रिंसिपल रीता सिरोही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये किसी पर्टिकुलर बोर्ड अकेडमी या स्कूल के लिए नहीं है। इसमें पूरे जिले और आसपास की लड़कियां जो क्रिकेट में रुचि रखती हैं, वो सभी भाग ले सकती हैं और क्रिकेट की दुनिया में अपना भविष्य बना सकती हैं। सुनिए प्रिंसिपल रीता सिरोही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारी संवाददाता नीलोफर अंसारी को क्या जानकारी दी। इस वक्त हम मौजूद हैं वर्धमान अकेडमी राधा गार्डन में और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर रीता सिरोही। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि वो क्रिकेट की दुनिया में महिलाओं को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही हैं, तो मैं उनसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी क्या तोहफा आप देने जा रही हैं महिलाओं को क्रिकेट की दुनिया में। मैं मेरठ से इस मुहिम को शुरू करना चाहती हूँ। जिस प्रकार लड़के हम देखते हैं कि गली गली क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इस प्रकार हमें लड़कियां कभी भी गलियों में खेलती हुई क्रिकेट नज़र नहीं आती। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबकि ये खेल इतनी ख्याति पा चुका है, भारत ने बेहद नाम कमाया है इसमें, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि लड़कियाँ हमें इस प्रकार खेलते हुए नहीं मिलती हैं। इसका उदाहरण मेरे अपने विद्यालय से मुझे मिला। मैं जब यहाँ पिछले वर्ष आई तो मेरे पास सिर्फ एक बच्ची थी जो क्रिकेट खेलना चाहती थी और खेलती भी है, लेकिन हम उसे कभी भी प्रैक्टिस के लिए एक टीम नहीं प्रदान कर पाए और हमें अपनी ही बच्चियों को धीरे धीरे करके जो छठी कक्षा से ऊपर थी उन्हें तैयार किया हमने, कुछ प्रैक्टिस हुई, लेकिन लगा कि एक मुहिम ही शुरू करनी पड़ेगी कि मेरठ शहर से हम उन लड़कियों को खड़ा कर सकें जहाँ हम उन्हें एक उदाहरण बना के अन्य जिलों में भी लड़कियों को प्रोत्साहित करें। हम मीडिया के द्वारा उन सभी कोचेस तक पहुंचना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं लड़कों से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन उन लड़कों के बीच में कोई एक लड़की ऐसी है, जैसे मेरे यहाँ एक लड़की है जो उनके साथ हिम्मत करके खेल रही है, लेकिन उससे सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। वो नहीं जानती है कि वो किस तरह राज्य के स्तर पर और किस तरह वो राष्ट्र के स्तर पर पहुँचे। जब तक ये क्षेत्र सब तक नहीं पहुंचेगा, हम बहुतायत में लड़कियों को प्रोत्साहन नहीं दे पाते हैं, तब तक ये लड़कियां जो अलग अलग कोनों पर खेल रही हैं ये आगे नहीं आ पाएंगी। अपने इस टीम को कैसे ग्रो करेंगे थोड़ा सा बताएंगे। जी, हम विभिन्न कोचों को मेरठ के ऑलरेडी जो है अप्रोच कर चुके हैं, जिससे हमारे पास 24-25 लड़कियाँ जो हम सेलेक्ट कर चुके हैं काफ़ी ठीक ठीक खेलती हैं, कुछ बहुत अच्छा खेलती हैं, तो हमने उन लड़कियों को चुनकर एक मैच रखा है और ये किसी विद्यालय विशेष से जुड़ी हुई नहीं है, ये विभिन्न बोर्ड से हैं, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो, UP बोर्ड हो या कोई भी अन्य बोर्ड हो। हम इस तरह लड़कियों को चुनकर एक मैच खेलने जा रहे हैं जो शोकेस करेगा कि लड़कियां भी क्रिकेट अच्छा खेलती हैं और इन्हें भी हमें आगे प्रोत्साहन देना चाहिए, वो स्थान देना चाहिए कि हम उन्हें ट्रेंड कर सकें। एक और चीज़ मेरे सामने एक अभिभावक से बात करके आई थी कि क्रिकेट में हमारी बच्ची अगर खेलना भी चाहती है तो उन्हें दूर स्टेडियम्स में जाना पड़ता है और ये स्टेडियम्स क्योंकि शाम को चलते हैं थोड़ा रात भी हो जाती है, तो ऐसे में अगर विद्यालय स्तरों पर अकेडमीज खुले लड़कियों के लिए तो हम अपने स्कूल से एक अकेडमी खोल रहे हैं जो भी विभिन्न लड़कियाँ चाहती हैं कि वो स्कूल समय में या स्कूल के बाद शाम से पहले अगर प्रैक्टिस करना चाहती हैं तो हम उस अकेडमी हमारी अकेडमी के द्वारा उन्हें हम स्थान देना चाहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लेडीज़ कोच को ही रखें जिससे कि उन्हें मन में जो ये रहता है कि हम इस खेल को जो है सुरक्षित भी खेल सकें, क्योंकि अभी भी हमारा समाज कहीं इतना नहीं खुल पाया है कि हम देर शाम को या रात को जो है लड़कियों को यूं ही भेज सकें बाहर सिर्फ खेल के लिए, क्योंकि आज भी हम समाज में इतने नहीं खुल पाए हैं कि सिर्फ खेल को अपना प्रोफेशन बना सकें। ये एक शौक के तौर पर देखा जाता है और शौक तक ही रखने की बात की जाती है। जब
कि मैं ये चाहती हूँ कि इसे बचपन से, जैसे विदेशों में खेला जाता है कि एक बच्चे को प्रोफेशन के रूप में इस कोई खेल दिया जाता है और वो बचपन से ही खेलते खेलते किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज से जुड़कर वो नाम नहीं कमाता है किसी खेल क्षेत्र में, वो एक प्रोफेशनली बचपन से खेलकर अपना नाम, अपने देश का नाम रोशन करता है राष्ट्र के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अच्छा, कोच जो होंगे फीमेल होंगे या मेल होंगे? मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि फीमेल कोचेस होंगे। अच्छा, ये सिर्फ मेरिट के लिए है या फिर स्टेट लेवल के लिए? ये इस वक्त मैंने जो पहला मैच मैं करवा रही हूँ वो मेरिट के स्तर पर है। विभिन्न क्षेत्रों से हमने रजिस्टर कराया अखबार के द्वारा, मौखिक रूप से विभिन्न कोचों को अप्रोच किया हमने, लड़कियां अलग अलग लाएं, हमने उनमें से सिलेक्शन किया। 11 दिसंबर को बहुत सारी लड़कियों ने हमें जो है नाम रजिस्टर किया था, उनमें से दो टीम बनाई गई हैं जो फाइनली अब खेल रही हैं, और इस टीम में से भी जो लड़कियां बेस्ट निकल कर आएंगी उन्हें हम साल भर ट्रेन करेंगे जिससे कि मेरिट की एक बहुत बेहतरीन टीम बनाई जा सके। मीडिया के द्वारा हम विभिन्न जिलों को अभी से अप्रोच कर लेना चाहते हैं कि वो अगले साल के लिए अपने अपने क्षेत्र में लड़कियों को तैयार करें। अच्छा, उन्हें जो मार्गदर्शन चाहिए वो हम तक आ जाए। लड़कियों को आगे ले जाने का क्वेश्चन कहाँ से आया? अभी मैंने देखा आपने कुछ दिन पहले जना बेटिया फाउंडेशन की भी शुरुआत की है जिसमें गरीब बेटियों की शादियाँ कराई जा रही है जी। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कैसा आया कि हम लड़कियों को आगे लेकर जाएं थोड़ा? सबसे पहले तो मैंने जैसा आपको बताया कि मेरे ही विद्यालय में सिर्फ एक ही लड़की थी और उसे बड़ी परेशानियाँ महसूस होती थी जबकि वो अच्छे स्तर पर खेलना चाहती है, लेकिन वही कि चारों तरफ सिर्फ लड़के हैं और इस खेल में मैं कैसे प्रैक्टिस करूं, लड़कों के साथ करती हूं तो कई और भी लड़कियां जो देखती हैं उनके मन में भी एक अलग सा भाव आता है कि ये सिर्फ लड़कों के साथ बैठती है, ये कैसे इस खेल में जा रही है, ये तो पुरुषवादी खेल है। तो ये चीज़ मैं बच्चों के मन से निकालना चाहती हूँ और लोगों के मन से और समाज के मन से कि कोई भी खेल पुरुष और महिला के लिए नहीं होता है, खेल खेल होता है, ये कौशल है अपने आप में जो शारीरिक, मानसिक और आपके जो एक जीवन शैली है ये उसको संतुलित करता है। ठीक है मैम, बहुत बहुत अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट फ्राइडे, और हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा, गढ़ रोड, मेरठ।